कोरोना की दूसरी लहर आने पर हुकूमत का सख्ती करने का फैसला। आवाम के लिए घर से निकलते वक्त फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तालीमी इदारों, दफातर, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट समेत हर जगह मास्क पहनना लाजिम हो गया। मुल्क के 11 शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। NCOC इजलास में ब्रीफिंग, गुज़श्ता 24 घंटे में वायरस मजीद 14 जिंदगियां निकल गया। 825 नए केसेस भी रिपोर्ट। कैंसर, अमराज़े कल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और एंटी रैपिड्स वैक्सीन महंगी हो गई। डरब ने 94 अदवायात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी कबीरा ने गुज़श्ता माह अदवायात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अदवायात की इजाफा शुदा कीमत 31 जून 2021 तक मुंजमन रहेगी। महंगाई पर काबू पाने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। सुबह में गवर्नर्स के मामलात और महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदामात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान सूबाई हुकूमत को गाइडलाइंस देंगे। गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब से मुलाकात में सियासी अमूर भी जेरे गौर आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हममनसब से राबता। FATF में तुर्क हमायत पर इजहार तशकर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ तुर्क सदर के ठोस मौकफ को सराहा। तुर्क हममनसब ने इस्लामोफोबिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को काबिले स्ताइश करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा का अफगान हममनसब हनीफ अतमर से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। गुस्ताहाना हाकों के इशात पर फ्रांस से सफारती तलुकात मुंतका करने की दरहास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा हुकूमत ने फ्रांसीसी से इहतजाज किया, नेशनल असेंबली से भी करारदाद पास हुई। वफाकी काबीना इस पर भी अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करे। हुकूमत का हफ्ता इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। वजीर आजम ने वजीर मजहबी अमूर की तजवीज मंजूर कर ली। जुम्मा 12 रबीउल अव्वल से लेकर 18 रबीउल अव्वल तक इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। गुस्ताखाना हकों का मामला आलमी फोर्म्स पर भी उठाया जाएगा। अलामा ताहर अशरफी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस को वाजिया पैगाम दे दिया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का सिलसिला रुकना होगा। सहराए थर में छोटे डैम्स की तामीर का मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह इफ्तिताह के लिए पहुंच गए। सहराए थर में मुख्तलिफ मुकामात पर 24 छोटे डैम्स तामीर होंगे। बारिश का पानी जमा करके आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाक बहरिए का सतह समंदर और फिजा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजर्बा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जमान पाक बहरिए के मुताबिक पाक बहरिए के जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। कराची के इलाके लांडी में चोरों ने दुकानों का सफाया कर दिया। चोर दुकानों के ताले काट कर सामान ले उड़े। CCTV फुटेज मंजरे आम पर। गुजरावाला में CIA पुलिस की कार्रवाई, 27 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से 38 लाख रुपए नकदी, 8 कारें, 1 ट्रैक्टर ट्राली और 84 तोले जेवरात बरामद। पुलिस ने 3 करोड़ से जायद का माल मालकान के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में मारगला के जंगल से तेंदुआ सड़क पर निकल आया। कार सवारों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि दामन को जाने वाले शहरी रात के वक्त एहतियात करें।